अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब बीजेपी के सामने काशी और मथुरा में भव्य मंदिर की मांग ने तूल पकड़ लिया है। मंदिर के बाद अब सोशल मीडिया पर काशी मथुरा की मांग ने भी जोर पकड़ लिया है। क्या है ये मामला, इस वीडियो में आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं पूजा जादौन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। काशी मथुरा की मांग तो है, लेकिन बीजेपी ने अपने आधिकारिक एजेंडे में ना तो मथुरा और ना ही काशी की बात कही। लेकिन हिंदू संगठन और कुछ लोग इन दो जगहों के लिए अयोध्या राम जन्मभूमि की तर्ज पर ही मंदिर के लिए दबाव बना रहे हैं। ये संगठन अदालतों में तो लड़ ही रहे हैं, साथ साथ में सड़कों पर भी अपनी मुहिम छेड़ रहे हैं। ये मामला अदालत में ले जाने पर याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास मौजूद शाही ईदगाह यहाँ पहले से बने मंदिरों को तोड़कर बनाए गए। ये मंदिर मुगल काल में तोड़े गए थे और अब यहाँ पर फिर से मंदिर बनाए जाने चाहिए। इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह के परिसर में इंस्पेक्शन के लिए कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले पर रोक लगा दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू समूहों के मामले को लेकर कुछ नहीं कहा था, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद की जमीन पर पहले एक मंदिर बना हुआ। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्थानीय कोर्ट में पहले ही एक रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद कोर्ट में भी हो रही है। 2022 में हिंदू समूह उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने ये दावा किया था कि मस्जिद के भीतर मौजूद फव्वारा असल में शिवलिंग है। ज्ञानवापी मामले के सुर्खियों में आने के बाद काशी और मथुरा से जुड़े एक सवाल पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रमुख जेपी नड्डा ने कहा था कि इस तरह के विवादित मुद्दों पर अदालत और संविधान ही फैसला लेंगे। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आगामी लोकसभा चुनावों में ये दोनों मुद्दे अहम ना बने, लेकिन हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ही मुद्दे चर्चा के केंद्र में हो। पीएम मोदी ने हाल ही में अपने मथुरा के दौरे में कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में यानी कि मथुरा और वृंदावन में भी भगवान के दर्शन और भी भव्यता के साथ होंगे। ऐसे में पीएम का ये बयान साफ संकेत था कि राम जन्मभूमि के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि में भव्य मंदिर का नंबर है। इस खबर पर आपके विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।